हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ माइल्ड पेपर्स इन पीनट कोकोनट सॉस। तो इसके लिए पहले मैं पीनट कोकोनट सॉस बनाती हूँ। तो हम एक कढ़ाई गरम करते हैं, उसमें 1 टीस्पून कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल और आधा कप मूंगफली डालकर इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट होने के बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और साथ ही साथ आधा कप ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट। थोड़ा रोस्ट करके ठंडा करके ब्लेंडर में डालकर और बिल्कुल थोड़े पानी के साथ इसे ब्लेंड कर देंगे। ये हमारी पीनट कोकोनट सॉस रेडी। अब एक पैन गरम करके उसमें 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और 1/2 टीस्पून जीरा डालकर इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक और थोड़ी सी ग्रेटेड अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च इच्छानुसार और 7-8 कड़ी पत्ते, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून केन पेपर से भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। और फिर जो हमने पीनट कोकोनट सॉस बनाई थी वो डाल देंगे 1 कप और 1 टेबलस्पून इमली का पल्प डालकर इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट और 1/2 कप शिमला मिर्च स्क्वेयर पीसेस में काट कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि ग्रेवी, शिमला मिर्च सब मिक्स हो जाए। और अगर थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे फिर से कुक करेंगे लगातार चलाते हुए। इच्छानुसार कंसिस्टेंसी होने पे गैस बंद। तो हमारी माइल्ड पेपर्स इन पीनट कोकोनट सॉसेस रेडी। खाइए और टेस्ट लीजिए। अब हम माइल्ड पेपर इन पीनट कोकोनट सॉस के हेल्दी आइटम्स डिस्कस करेंगे। पीनट मूंगफली खाने में तो टेस्टी लगती ही है, साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो कि हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में फायदेमंद है। लोगों की गलत फहमी है कि मूंगफली में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितने कि अखरोट, बादाम और काजू में होते हैं, पर ऐसा नहीं है। मूंगफली में भी उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने कि महंगे ड्राई फ्रूट्स में, जो कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फायदेमंद है। मूंगफली ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है और हमें हार्ट प्रॉब्लम से बचाती है। ये ब्लड क्लॉट्स बनने से भी रोकती है जिससे हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। कोकोनट को सुपर फूड कहते हैं। इसमें जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। कोकोनट में काफ़ी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सेलेनियम होता है। साथ ही साथ और भी मिनरल्स होते हैं जो कि हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि पॉलीफिनॉल होता है जो कि हमारी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और हमें कई खतरनाक बीमारियाँ, कैंसर आदि से बचाता है। जो लोग लो कार्ब ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं उनके लिए कोकोनट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। वे कोकोनट फ्लोर की चपाती खा सकते हैं। ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ग्रीन कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च को सुपर वेजिटेबल में रखा जाता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है और ये हमारी आँखों के लिए भी फायदेमंद है। कैप्सिकम हमारा डाइजेशन बढ़िया रखती है क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी होते हैं। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि पेन में, स्पेशली नर्व्स पेन में आराम दिलाने में फायदेमंद है। ये कैप्सिकम बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ये बेचैनी, चिंता, नेगेटिव विचार, इन सब को दूर करने में भी फायदेमंद है। ये लेडीज़ में मीनोपॉज के टाइम होने वाली प्रॉब्लम से भी बचाती है। देखा फ्रेंड्स, यम्मी टेस्टी रेसिपी कितनी हेल्दी भी है। खाइए और हेल्दी रहिए। ओके फ्रेंड्स, ये ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हेल्दी रेसिपी के साथ।